हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाई चौमिन समोसा जो देखने में ही लग रहा है बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कच्चे नूडल्स ले लिए हैं। अब इसको हमने बॉईल करना है, तो एक पैन में पानी गर्म करेंगे, उसमें नमक डालेंगे और नूडल्स को उसके अंदर डाल देंगे और इसको चलाते हुए हमने इसको 10 मिनट के लिए पकाना है। जब तक हमारे नूडल्स पक रहे हैं तब तक हम समोसा का डो लगाएंगे। तो उसके लिए एक बोल में 2 कटोरी मैदा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इन तीनों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो लगाना है और डो लगाने के बाद इसको ढक के हमने 15 मिनट के लिए साइड में रख देना है। और 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे नूडल्स भी अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं। अब इसको पानी से निकाल के ठंडे पानी से धो के हमने ले लेना है। अब इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे 1 चम्मच, सोया सॉस डालेंगे 1 चम्मच, विनेगर डालेंगे 1 चम्मच, रेड चिली सॉस डाल देंगे 1 चम्मच और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, कढ़ाई में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती। तो एक बार ऐसे करके ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको साइड में रखेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसको गर्म करेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे, इसमें पतला कटा हुआ प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और ढेर सारी पत्ता गोभी डालेंगे इसके अंदर और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और सभी सब्जियों को मिक्स करते हुए हमने इसको हल्का पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा इसमें क्रंचीपन होना चाहिए। और ये जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसके अंदर नूडल्स डाल देंगे और नूडल्स को सब्जियों में अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है हमने 2 मिनट के लिए। और जो हमारे नूडल्स हैं वो अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब इसको निकाल के साइड में रख देंगे, डो लेंगे, इसको हल्का सा मसलते हुए एक बार और फिर से गूंद लेंगे और इसका एक पेड़ा तोड़ेंगे, इसका एक लोई बना लेंगे और हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बिल्कुल गोल गोल रोटी की तरह बेल लेना है। रोटी से थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे क्योंकि हम डिज़ाइन वाले समोसे बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बेल लिया है। अब इसको 2 भागों में कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने बराबर बराबर दोनों को कट कर लिया है और डिज़ाइन देने के लिए बीच में हमने लंबा लंबा कट कर लगा देना है इसमें। और कट लगा दिया, पूरे में पानी लगा देंगे और फिर दूसरे सीड को उठाएंगे, फिर उसके ऊपर रख देंगे और उसको प्रेस करते हुए हल्का सा चिपका लेना है और कोने से पकड़ के इसको उठाना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये निकल गया है। अब इसके हमने साइड किनारे पे हमने पानी लगाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और एक कोने को उठा के दूसरे कोने से चिपका लेना है। ये अच्छे से चिपक गया और नीचे से भी इसको हल्का सा दबा देंगे ताकि हम फ्राई करें तो ये खुले ना। और समोसा कोन हमारा बनके रेडी है। इसके अंदर हम नूडल्स डालेंगे और पूरा हम भरेंगे नहीं, थोड़ा सा जगह खाली रखेंगे और इसके साइड में पानी लगा देंगे और इसको फोल्ड करेंगे और इसके हथेली के हमारे हथेली के साइड से इसको दबाना है। और हथेली के साइड से दबाने से क्या होता है, अच्छे से हमारा जो समोसा है वो बंद हो जाता है। ये देखिए, और ये लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा ही। और ऐसे ही हमने सारे समोसे को बंद करके ले लेना है और हल्का गरम तेल में हम समोसे को डाल के फ्राई करेंगे। हम एक बारी में 3 समोसे को फ्राई करेंगे और इसको दोनों साइड से पलटते हुए हमने फ्राई करना है। यह देखिए हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक। यहाँ देखिए हमारे जो समोसे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी ये फ्राई होकर निकले हैं। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ये हमारे चौमिन समोसा बनके तैयार है। तो इसकी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्रिस्पी क्रिस्पी समोसा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।